Assalamu alaikum, what's up guys, this is Anwar sir. Today I want to share a very important topic relating to our behavior. आज कल अक्सर आप इजली देख सकते हैं हर जगह कि लोगों का जजिंग नेचर बहुत है, दूसरों को लेकर उनके स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है कि फर्स्ट क्लास पीपल ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देयर विजन और मिशन, सेकेंड क्लास पीपल ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इवेंट्स और डिस्क्रिप्शन समटाइम, एंड थर्ड क्लास पीपल ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पीपल. तो जो जजिंग नेचर है, दूसरों को जज करने का जो नेचर है लोगों के अंदर कि कोई कैसे बोलता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी में, आपकी पर्सनालिटी में कोई क्रांति नहीं आने वाली है. दूसरों को जज करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप एक निगेटिव क्रिटिसाइज़र हो जाएंगे. और समटाइम मोस्टली जो जज किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर वो निगेटिव ही है. अगर हम दूसरों को जज करने के बजाय खुद को जज करें, जज योर सेल्फ ऑनेस्टली, तो ये बहुत बेनिफिशियल है सबके लिए. इससे काफ़ी चेंजेस आएंगे सोसाइटी में, सर्कल्स में, कैंपेनीज में. तो गाइज, आप दूसरों को जज करना छोड़ दें, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप दूसरों को लेकर डिसीजन बनाएं, आर्गुमेंट्स करें, डिस्कशन करें, बल्कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप अपने बारे में ऑनेस्टली जज करें कि आप कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, लोग आपको क्यों, किस मैटर में डिसलाइक करते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है. तो ये पॉइंट्स आपको ग्रो करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, आपको ऊपर उठाएंगे. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है कि द फर्स्ट क्लास पीपल ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देयर विजन एंड मिशन, सेकेंड क्लास पीपल ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इवेंट्स, एंड थर्ड क्लास पीपल ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पीपल. तो मोस्ट ऑफ अस आर इन द कैटेगरी ऑफ थर्ड रैंक, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट पीपल. तो गाइज, लोगों की बात करना छोड़ दीजिए. लोगों की बात करने से सिर्फ आप जो हैं फॉल्सहुड का शिकार होंगे, आप डाउट्स का शिकार होंगे, निगेटिविटी का शिकार होंगे, और इन द टर्म्स ऑफ द शरिया यू विल बी मस्ट ब्रोकन आउट द गीबत. आप ब्रोक करेंगे, गीबत करेंगे. तो इसका यही सोल्यूशन है कि आप दूसरों को जज करना छोड़ें, बल्कि अपने जजमेंट के बारे में सोचें. जो देयर आफ्टर आखिरत में भी आपके साथ आपका जजमेंट मिलेगा, दूसरे के साथ दूसरे का जजमेंट मिलेगा. तो गाइज, डोंट जज अदर्स, जज योर सेल्फ. और जब आप अपने को जज करेंगे, तो जो मैंने निगेटिव चीज़ें बताई अभी कि दूसरों के बारे में सोचना, उनकी निगेटिविटी पर डिस्कस करना, आप भूल जाएंगे, बल्कि आप अपने में क्या होंगे, क्लियर होंगे. आप अपने बारे में सोच रहे होंगे, अपनी इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे होंगे. अगर आपको जज करना है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल को जज करके उनको डायरेक्टली जाकर उनको जो है कन्विंस करिए दैट्स प्रॉब्लम ये है. बैकबाइटिंग छोड़ दीजिए. तो गाइज, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप, हम सब खुद को पहले जज करें, फिर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को जज करने की और इम्प्रूव करने की उठाएँ. थैंक यू. फी अमानिल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर.